काम की बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं जिनका जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया है। अब बताती चलूँ कि आपको अगर स्वेट प्रूफ मेकअप करना है तो आप इस मास्क को जो है मेकअप लगाने से पहले लगा लें, उसके बाद कुछ देर रुक जाएं 15 मिनट, फिर आप अपना मेकअप बनाएं, तो इंशाल्लाह आपको स्वेटिंग नहीं होगी, ऑयल प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब गैंग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मैं बहुत सारी दुआएं भी करती हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा जी, आज के जो है टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं जो है ग्रीन मास्क के हवाले से वीडियो लेके आई हूँ। जी हाँ, लेकिन कोई भी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी कि जी पूरी वीडियो मैंने चला दी, मास्क लगाया और एंड में जाके मैं आपको बता रही हूँ कि नहीं ये ब्लैकहेड्स नहीं निकालता। जी हाँ, शुरू में ही आप लोगों को बता दूँ कि ये जो है मास्क ब्लैकहेड्स नहीं निकालता, जो इसके बारे में मशहूर हुआ हुआ है कि ये जैसी बस लगाएं और थोड़ी ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में जितने ब्लैकहेड्स हैं वहाँ वो सारे बाहर आ जाते हैं। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भरी हुई हैं इसके रिव्यूज़ के हवाले से, लेकिन अभी तक सबकी वीडियोस में यही है कि वो जो वीडियो पहले चला देते हैं, मास्क आपके सामने लगाते हैं, फिर रुकते हैं, फिर देन आपको बताते हैं भाई ब्लैकहेड्स नहीं निकले हैं, बेवकूफ़ बना। काम की बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं जिनका जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो टी ट्री ऑयल है। आपको पता है टी ट्री ऑयल किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उसके क्या फ़ायदे हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती चलूँ कि देखें, दुनिया की एक्नी ट्रीटमेंट के जितनी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी, उन सब में टी ट्री ऑयल ज़रूर यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो है सबसे मेन जो एडवांटेज है वो यही है कि ये एक्नी की ट्रीटमेंट करता है। जी हाँ, इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब बैक्टीरिया ही नहीं रहेगा आपकी स्किन पे तो फिर कौन सा आपको एक्नी निकलेगा या कौन सा बम्प निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलने वाला, ठीक है। ये एंटी फंगल इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मास्क की बात नहीं कर रही मैं, टी ट्री ऑयल की बात कर रही हूँ। टी ट्री ऑयल जो है आपकी स्किन पे जितना भी एक्सेस ऑयल होता है वो सारा रिमूव कर देता है, आपके पोर्सेस साफ़ करता है टी ट्री ऑयल, ठीक है। सो ये तो थी टी ट्री ऑयल की फ़ायदे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मास्क के क्या फ़ायदे। आपको पता है गर्मियाँ हैं, जो है हमारा बेस वगैरह हम जो भी लगाते हैं स्वेटिंग होती है, तो जी आप लोग क्या करें, आप लोग बेस या कोई भी फाउंडेशन लगाएं, मेकअप कुछ भी करें, उससे थोड़ी देर पहले आप ये ग्रीन मास्क लगा लें। उससे होगा ये कि एक तो आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, दूसरा ये कि आपके पोर्सेस क्लीन हो जाएंगे। देखिए, एक चीज़ होती है पोर्सेस को श्रिंक करना या मिनिमाइज़ करना, मींस कि उसको पोर्सेस का जो जो मुंह है उसको बंद कर देना, लेकिन एक चीज़ होती है पोर्सेस को क्लीन करना। पोर्सेस का मुंह इसलिए बंद किया जाता है ताकि आपकी पोर्सेस यानी स्किन के पोर्सेस के अंदर कोई डर्ट या डर्ट ना बैठे। बेस लगाने से पहले भी इसीलिए लगाया जाता है कि जब तक पोर्सेस खुले हुए होंगे तो जाहिर सी बात है वो ऑयल भी प्रोड्यूस करेंगे, और इसके अलावा आपका जो बेस वगैरह है वो उस पोर्सेस के अंदर बैठ जाएगा। और फिर होगा ये कि आप, हम तो ऊपर ऊपर से मुंह धो लेते हैं और साफ़ कर लेते हैं, लेकिन हम पोर्सेस नहीं साफ़ कर पाते। उससे होता ये है कि वो जो पोर्स के अंदर जो डस्ट चली गई होती है ना, तो वो थोड़ा टाइम उस पोर्स के अंदर रहती है, फिर वो अंदर ही अंदर जो है ना हमारी एक्नी बनना शुरू हो जाती है। पहले छोटा सा कील निकलता है, कील की सूरत अख्तियार कर लेता है वो, फिर उस वो कील जो है अगर हम उस पर तवज्जो ना दें तो वो कील जो है दाने की शक्ल अख्तियार कर लेता है। फिर से कह रही हूँ कि डेड स्किन ही रिमूव हो जाएगी तो स्किन खुद ब खुद सही हो जाएगी। तो चलिए जी, मैं आपको इसको अपने आपके सामने लगा के भी दिखाती हूँ। फिर से बता रही हूँ कि आप कोई भी मेकअप वगैरह करें तो उससे पहले इसको लगा लें, आपकी स्किन ऑल जब क्लियर हो जाएगी, जब आपके पोर्सेस वगैरह सब साफ़ हो जाएंगे, स्किन बड़ी फ्रेश होगी, तो फिर जो भी आप फाउंडेशन हल्का फुल्का सा भी लगाएंगे ना तो वो बड़ा फ्रेश नज़र आएगा, आपका मेकअप बड़ा फ्रेश लुक देगा अगर आप इस मास्क को लगा लेते हैं। चलिए जी, मेरी स्किन फ्रेश होती है या नहीं होती है मैं आपको अभी लाइव दिखा देती हूँ। तो चलिए जी, इस मास्क को पहले कर लेते हैं ओपन। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये आता है, ठीक है। देख तो आप लोग चुके होंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है, और जी अंदर से ऐसा निकला है ये, और इसके ऊपर यहाँ पर प्लास्टिक का कैप दिया हुआ है टॉप पर, ठीक है, और टॉप हटा दिया। मैं आपको इसकी क्वांटिटी भी दिखाती हूँ और इसके प्राइस भी बताती हूँ, ठीक है। नीचे से जैसे टीवी पेंट स्टिक होती है ना जो हम बेस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह ये नीचे से ट्विस्ट होगी, और इतनी है ये, देखें मेरे आधी हथेली जितनी, कितनी है पता नहीं, ऐसे नहीं समझ आ रहा,
ठीक है, इतनी है, गुड इनफ है। 650 की है या 850 की है, मैं प्राइस भूल गई हूँ। मैं फिर से जाके अभी जिनसे मेरी चैट हुई थी तो उनकी चैट में जाके प्राइस देखती हूँ, और फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी प्राइस और जिनसे लिया है मैंने उनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग भी वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। सबसे पहले मैं अपने बाल बांध के आती हूँ। मैं इस मास्क को आपके सामने लगा लूँगी। इसको सॉलिड मास्क भी कहा जाता है। सॉलिड इसलिए सॉलिड फॉर्म में है, इस तरह की स्टिक फॉर्म में। तो इसको जो है मैं अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी। मास्क कोई भी आप लगाएं, आप ऐसे 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 करके कभी भी नहीं लगाते मास्क को, ठीक है। तो मास्क हमेशा इस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में मास्क हमेशा लगता है। जो टेक्स्चर है ना वो बड़ा ही कोई क्रीमी सा है, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो उसके जैसी है, क्या बोलते हैं यार, सॉफ्ट मिंट का नाम नहीं याद आ रहा था मुझे। इसकी फ्रेग्रेंस जो है सॉफ्ट मिंट जैसी है बिल्कुल, और लगाते ही ना इसको ऐसे जैसे ही लगा है ना तो एकदम से कूलिंग इफेक्ट आ रही है इसको लगाते ही। और इतना इजी टू मतलब अप्लाई है, बिल्कुल टेक्सचर इसका बड़ा अच्छा है, मतलब सॉलिड इसे रगड़ना नहीं पड़ रहा मुझे। नेक पे भी लगा लूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि डेड स्किन तो आपकी कहीं पर भी होती है, ठीक है। इसको जो है मैं पूरी अपनी फेस और नेक पे लगा लूँगी, और इसको लगा के ना मैं अभी आपके ही सामने रिमूव करूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसने मेरी स्किन जो है फ्रेश करी है या नहीं की। और बाकी तो इसके फ़वाद जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो नहीं देखी है स्किप कर करके देखी है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसके बारे में सब कुछ लिख दूँगी, जो जो इसका काम है, जो जो इसके फ़ायदे हैं, वो सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूँगी, ठीक है जी। आपको एक बात, अगर मेकअप करके अब आप किसी पार्टी वगैरह से आ गए हैं, मेकअप रिमूव करना है, तो पहले फेस वॉश कर लें, उसके बाद जी आप इस मास्क को लगा लें, तो ये आपका मेकअप रिमूवर का भी काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पोर्सेस को क्लीन करता है। तो जाहिर सी बात है आपकी पोर्सेस में जितना भी मेकअप वगैरह का डस्ट जितना भी होगा बैठा हुआ होगा तो वो सारा रिमूव हो जाएगा। एक और चीज़ कि इस मास्क को लगाने से पहले आप अच्छे से अपना फेस जो है वॉश कर लें किसी भी अच्छे फेस वॉश से, ठीक है। मैं जो है ना वीडियो बनाने के लिए जो है फेस वॉश करके ही बैठी थी, तो कोई भी अच्छा सा जो फेस वॉश आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं वो फेस वॉश से अपना फेस वॉश कर लें, उसके बाद इस मास्क को आप अप्लाई कर लें। तो मैं इस मास्क को जो है 15 मिनट रखने वाली हूँ, 15 मिनट के बाद मैं आती हूँ और फिर आपके ही सामने रिमूव करती हूँ। तो चलिए, तो गाइस 15 मिनट्स हो चुके हैं इस मास्क को लगाए हुए, अब जो है इसको मैं रिमूव कर लूँगी। रिमूव मैं सिंपली जो है इसको टिश्यू की हेल्प से रिमूव कर लूँगी, ठीक है जी, और ईजिली ये रिमूव हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ से ये ड्राई हो गया है उसको भी मैं रिमूव कर लूँगी। तो गाइज अच्छी तरह मैंने इसको टिश्यू से रिमूव कर लिया है, और आप लोग रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से कि मतलब इसने कितना मेरी स्किन को फ्रेश कर दिया है। और आप लोगों को पता होगा कि मेरे डार्क सर्कल्स हैं तो थोड़े से ये भी कम हो गए, और ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि मैंने अपनी आई के एरिया में नहीं लगाया था और नहीं लगता है ये मास्क वहाँ पर, तो वो देखें कितना फ़र्क आ गया है स्किन में और आई के एरिया में। बाकायदा ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कोई ब्राउन कलर का शेड लगाया। बाय द वे मैंने कोई शेड नहीं लगाया हुआ, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरी आईज़ अभी जो है ना वीडियो शूट करने के चक्करों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसके यही रिजल्ट्स हैं कि ये जो ना आपकी स्किन को एकदम से फ्रेश कर देता है और ब्राइट और बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी, और अभी तक जो है ना इसको मैंने रिमूव कर लिया हालांकि, लेकिन अभी तक मेरी स्किन पे कूलिंग इफेक्ट है, मतलब एक बड़ी रिलैक्सिंग सी फीलिंग आ रही है मुझे। खासकर के लिए मेरे ख्याल से समर्स के लिए बेस्ट है, विंटर्स में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, और समर्स के लिए बेस्ट है। अगर आपको विंटर्स में भी मेकअप लगाते ही पसीना वगैरह आता है, आपका बेस वगैरह फट जाता है, स्वेटिंग होती है, तो आप इसको खरीद लें। और हाँ, अगर आपके
स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम है या फिर आपके कीले हैं छोटी छोटी, तो आप इसको अभी ही ख़रीद लें, यकीन करें ये आपके लिए ही है। मैं इन्हीं चक्करों में पड़ी हुई थी काफ़ी दिनों से। मैं इस मास्क पे रिसर्च कर ली थी, मैंने ख़रीद तो लिया था, लेकिन मुझे ये था कि यार सबने वीडियो बना तो लिए, सबने बता तो दिया है कि ब्लैकहेड नहीं निकालता, तो फिर क्या फ़ायदा। फिर मैंने एक दिन बैठे बैठे सोचा कि चलिए मैं अपने फेस पे ही लगा लूँ। जब मैं इसको लगाया है तो मुझे इतना लिटरली सुकून मिल रहा था, रिलैक्स फील हो रहा था। मैं इसको लगाती थी थोड़ी देर, लेट गई यार, इतना ठंडक सी हो रही है। लेकिन मुझे बस ये था कि हाँ एक चीज़ खरीदी है तो उसको यूज़ कर लो, टी ट्री ऑयल तो वैसे ही मिला हुआ है, बस मुझे ये था। लेकिन जब मैंने इसको रिमूव किया है तो मुझे जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैंने सोचा चलिए इस पर मैं वीडियो बनाऊँगी और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो जो मुझे रिजल्ट्स मिले हैं अब तक, ये रिजल्ट्स आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। आई एम डेडली श्योर कि आपको अब तक इसके ये रिजल्ट्स किसी ने नहीं बताए होंगे कि इसके अंदर बाकायदा ये फ़ायदे हैं। अब जी ये है तो चाइनीज़ प्रोडक्ट, बेहतर यही होगा कि आप ओरिजिनल ख़रीदें जहाँ से भी ख़रीदें, और मैंने जहाँ से लिया है आप लोग भी वहाँ से बाय कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल दूँगी और इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं और जो भी इसके फ़ायदे हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो, होप सो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जी चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।